ये हम लोग मदाइन में है इस वक्त। यहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी सलमान मोहम्मदी का रोज़ा है, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनका यहाँ पे जनाजा पढ़ा था, और यहाँ उनका कब्र मुबारक भी है, आपको ज़ियारत करवाते हैं अभी। ये वो मकाम है जहाँ पे मौला अली ने सलमान फ़ारसी को गुस्ल दिया था, और यहाँ पे मौला अली ने दो रकत नमाज़ पढ़ी थी। ये वो मकाम है, ये ज़ियारत लिखी हुई है सलमान फ़ारसी की। ये हज़रत सलमान फ़ारसी का रोज़ा है। ये उनकी कब्र मुबारक है। सलमान फ़ारसी के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मेरे अहले बैत में से है, इनका एक आला मकाम है। यहाँ पे इसके अलावा 3 रोज़े और हैं। ये सहाबी है उनके हुज़ैफ़ा इब्ने यमान, ये उनकी कब्र मुबारक है। ये 2 कब्रें हैं, ये है ताहिर इब्ने मोहम्मद बाकिर, हज़रत मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं ये। एक और सहाबी है अब्दुल्लाह इब्ने जाफर इब्ने अंसारी। ये 2 कब्रें मुबारक हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद के हैं। अब्दुल्लाह इब्ने जाफर अंसारी, ये उनकी कब्रें मुबारक है। ये 4 ज़ियारतें ये मदाइन में मौजूद हैं। ये करबला से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पे, 2-4 घंटे का रास्ता है करबला से, और सामरा और बलद के रास्ते पे ये पड़ता है।